हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में। बेसिकली दोस्तों 15 अगस्त को गाड़ी लॉन्च होने वाली है, जैसे कि आप सभी को पता है। गाड़ी का ओवरऑल लुक्स एंड डिज़ाइन और इंटीरियर की बात करेंगे तो कुछ ही घंटे पहले जो है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इसका इंटीरियर का सारा लुक्स एंड डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, गाड़ी बहुत बढ़िया, काफ़ी बढ़िया स्पेसिस के साथ में जो है हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि प्राइसिंग, फीचर्स के साथ में जो है हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कार के ओवरऑल लुक्स एंड डिजाइन की। फ्रंट साइड से आप कार देख सकते हो, काफी बढ़िया, काफी फ्यूचरिस्टिक कार हमें देखने को मिलती है। आप जो है यहां पे देख सकते हो सी शेप की जो है हमें यहां पे बढ़िया से DRLs देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट ग्रिल की भी बात करेंगे तो काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी बढ़िया लुक के साथ में फ्रंट ग्रिल देखने को मिल रहा है। और अगर आप पुरानी थार के साथ में अगर कंपैरिजन करते हैं फ्रंट साइड से, तो ये वाला लुक उससे भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर आप ओल्ड वाली थार लेके करोल बाग में जाके वहाँ पे अगर आप मॉडिफाई करते हो, तो ऑलरेडी महिंद्रा ने ही यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके दे दिया है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे इसके अलॉय व्हील्स की, तो आप देख सकते हो अलॉय व्हील्स भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में डुअल टोन कलर के साथ में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि गाड़ी का लुक और भी ज़्यादा एनहांस होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे फीचर के साथ में लोडेड कार हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको इसके अंदर ADAS जैसे प्रीमियम फीचर देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में आपको इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में FSD सस्पेंशन आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप जो है स्कॉर्पियो N में देखते थे। जैसे कि अगर कोई हार्ड रास्ता होगा तो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते हुए इसके अंदर दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल गाड़ी के लुक्स एंड डिजाइन की बात करेंगे तो काफी बढ़िया है। पीछे के साइड में आप टेल लैंप इसके देख सकते हो, बढ़िया से सी शेप में टेल लैंप देखने को मिलते हैं। स्टेपनी भी काफी बढ़िया, काफी यूनिक डिजाइन में देखने को मिल जाती है। अब कार के ओवरऑल इंटीरियर की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है इसका इंटीरियर हमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो है बढ़िया सी पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगी, जो कि आपको इसका मोस्टली लुक जो है XUV700 की तरह ही देखने को मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम फीचर देखने को मिलेंगे, बढ़िया सी स्क्रीन, साथ ही साथ में आर्मन के जो है हमें यहाँ पे इसके स्पीकर्स देखने को मिलेंगे और बढ़िया सी जो है इन्फोटेनमेंट स्क्रीन इसके अंदर दी गई है। अब बात करते हैं कार के स्पेस की, तो गाड़ी अगर ज़्यादा लंबी है, ये तो पहले पुरानी थार के हिसाब से ये लंबी देखने को मिलती है, तो इसके अंदर आपको लेग स्पेस, नी स्पेस काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप इसके अंदर 7 लोग आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि प्राइसिंग की। ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अभी कोई प्राइसिंग नहीं आई है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस हमें देखने को मिलेगी 4x4 की बेस मॉडल की 15 से 16 लाख तक। और अगर हम इसके टॉप एंड मॉडल में जाते हैं 4x4 के, तो इसकी प्राइस हमें जो है 22 से 24 लाख तक देखने को मिल सकती है। और बाकी अगर इसका बेस वेरिएंट यानी कि रेयर व्हील ड्राइव की भी बात करेंगे, तो इसके अंदर हमें जो है 13 लाख इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। और टॉप एंड मॉडल अगर हम जाते हैं रेयर व्हील ड्राइव RWD में, तो ऑलमोस्ट 20 लाख तक देखने को मिल सकता है। जितने फीचर के साथ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फीचर के साथ लोडेड हमें थार रॉक्स देखने को मिलती है। एक परफेक्ट फैमिली कार बोल के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ओवरव्यू महिंद्रा थार रॉक्स को लेके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।